Assalamualaikum, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं जुलेखा अल्फा, जुलेखाज किचन से। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है और आप लोग की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं दो रेसिपीज कंबाइन कर रही हूँ, एक है चना बटाटा और है एक तिल्ली मसाले वाली, जो मैं तो बचपन से वही खाते आई हूँ। मतलब मज़ेदार से चना बटाटा तिल्ली मसाले वाली दाल के मज़े से हम तो खाते थे। अब अगर आपको दोनों नहीं बनानी है तो आप सिर्फ चने बटाटे भी बना सकते हो, चिली फ्लेक्स एडिशनल साइड पर रख देना, जिसको चाहिए ज़्यादा मिर्च वो डालकर खा लेगा। और खट्टास अगर आपको ऐसी लगे कम इस वाली रेसिपी में, तो साइड पर खट्टास का भी एक इमली को भिगा के रख देना और उसका पानी पल्प निकाल के साइड पर रख देना। तो जो अगर आप तिल्ली मसाले वाली नहीं बना रहे हो तो सिर्फ चने बटाटे बना लीजिएगा, वो भी बढ़िया से मज़ेदार बनते हैं। लेकिन मैं एडवाइस करूँगी दोनों बनाइएगा, बहुत मज़ा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी विदाउट टाइम वेस्ट किए। सो बनाते हैं आज की रेसिपी साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफान जुलेखाज किचन डॉट कॉम से। चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाले वाली तिल्ली, सूखी है ये, ड्राई है, और आप रोटी पराठा फुलका बटर नान के साथ खा सकते हो, या फिर मेरी तरह चने बटाटों के ऊपर डाल के मस्त मज़ेदार तरीके से खाइए। ये दो तिल्ली है और इसके ऊपर जो चर्बी लगी है उसे कैंची या छुरी की मदद से साफ़ कर लीजिए, बट ध्यान रहे कि जो तिल्ली है उसको टच ना हो, क्योंकि क्या होगा, तिल्ली को टच होगा ना तो आपका जो पानी है पूरा काला काला हो जाएगा और आपके जो कुकर में से भी जो पानी बाहर आएगा वो काला काला होगा और आपका जो गैस है वो भी गंदा हो जाएगा बहुत ज़्यादा ही, और टाइम लगेगा साफ़ करने के लिए। तिल्ली को धो लीजिए और अब कुकर के अंदर डाल दीजिए, 2-3 कप पानी डाल दीजिए, थोड़ा नमक डाल दीजिए और बंद करके 4-6 सीटी खिला लीजिए फास्ट पे और 4-5 सीटी स्लो पर खिला लीजिए। खोल के देख लीजिए प्रेशर निकल जाए तो, और अगर लगे कि गल गई है तो फिर निकाल लीजिए, या फिर लगे कि नहीं गली है तो फिर से उसे सीटी खिलाने रख दीजिए 3-4 फास्ट पर और 3-4 स्लो पर। कुकर का प्रेशर बहुत अच्छे से निकाल लीजिए और ये तिल्ली मैंने निकाल के ले लिया ड्रेन करके। अच्छा, ये देखिए इस तरीके से डायरेक्टली छुरी अंदर चली जाए बहुत आसानी से, इसका मतलब गल चुकी है। अब इसके मैं लंबे लंबे इस तरीके से पीसेस कर लेती हूँ, आप ये एक एक लंबे के 2-2, 3-3 पीस इसके कर सकते हैं, बट ये आपके ऊपर है, मैं इस तरीके से लंबे कर रही हूँ प्रेजेंटेशन के हिसाब से और खाने में भी मुझे ये बेटर लगते हैं। तो ये सारे पीसेस हो गए, मैं इसे साइड पर रख देती हूँ। उखल में 8-10 कली लहसुन की डालिए और 2-3 हरी मिर्चियाँ डालिए, मैं 2 डाल रही हूँ, और 1 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा, और ये 5-6 कोकम डाल दीजिए और इसे मोटा मोटा जाड़ा मोटा कूट लीजिए इस तरीके से। फ्राई पैन के अंदर तेल डालिए, तेल गरम हो जाए तो ये मसाला जो कूटा है ये डाल दीजिए, इसके साथ साथ 3 बड़े चाय के चम्मच मोटा मोटा कूटा हुआ और भुना हुआ ये जो धनिया है ये डाल दीजिए। अब इसके साथ डालिए 1-1.25 छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, मिर्ची का पाउडर अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिए, चूल्हे को स्लो पर रखिए और इसे सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए, ये जल ना जाए इसके लिए आप 1/4 से 1/2 कप पानी डाल दीजिए, चूल्हे को फास्ट कर दीजिए और एक जोश खिला लीजिए। जब जोश आ जाए तो ये तिल्ली सारी डाल दीजिए, नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए इसमें, और सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। उसके बाद चूल्हा स्लो कर इसे पकने दीजिए, 3-5 मिनट पकाइए या फिर जब तक ग्रेवी थिक नहीं हो जाती तब तक पकाइए और फिर चूल्हा बंद कर दीजिए। वैसे मसाले को ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये जो मोटा मोटा कूटा हुआ जो धनिया डाला हुआ है और ये जो लहसुन मोटा मोटा कूट के डाला है उसी का टेस्ट आने वाला है। तो चलिए खूब सारी कोथमीर डाल दीजिए और रोटी पराठा फुलका बटर नान के साथ सर्व कीजिए, या फिर मेरी तरह मैं तो सिर्फ इसे चना बटाटे के ऊपर डाल के ये मसाला वगैरह डाल के बड़े मज़े से खाती हूँ। वैसे एक पॉइंट शेयर करनी थी आपको, अगर मसाला ज़्यादा बनाना है तो आप थोड़ा सा धनिया 1 टेबलस्पून और ज़्यादा डाल देना, 3 के बजाय 4 टेबलस्पून डाल देना, और उस हिसाब से लाल मिर्ची का पाउडर डाल देना अपने स्वाद अनुसार। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपने बनाया हो तो, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार रेसिपी के साथ, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफात जुलेखाज किचन डॉट कॉम से। आज मैं बनाने जा रही हूँ बड़े ही लजीज चटपटे चने बटाटे।
चने बटाटो के लिए ये मैंने 1 कप चने लिए हैं और इसे मैंने रात भर पानी में भिगा कर रखा था। और दूसरे दिन ये जो चने हैं इसे मैंने नितार कर ये जो कुकर है इसमें डाल दिया है। और अब इसके साथ साथ आप 2 से 3 कप पानी डाल दीजिए, नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए, आप चाहें तो हल्दी भी डाल सकते हैं। और ये कुकर बंद कर दीजिए और चूल्हे पर रख दीजिए और इसे 3-4 फास्ट आंच पर सीटी खिलाइए और 3-4 सीटी स्लो आंच पर खिलाइए। उसके बाद गैस बंद कर दीजिए, प्रेशर रिलीज़ कर लीजिए और जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो कुकर खोलकर चेक कर लीजिए चने हुए कि नहीं। अगर नहीं हुए हैं तो फिर से इन्हें बंद कर 2-3 सीटी खिलाने के लिए स्लो आंच पर रख दीजिए। चलिए, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और ये चेक कर लिया खोलकर। जब प्रेशर अच्छे से रिलीज़ हो गया था तो ये देखिए चने बहुत अच्छे से हो चुके हैं। एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कीजिए, जब तेल गरम हो जाए तो थोड़े से कड़ी पत्ते डाल दीजिए और एक बारीक लंबी कटी हुई प्याज डाल दीजिए और प्याज को फ्राई कीजिए। जब तक बिरिस्ता ना हो जाए तब तक फ्राई कीजिए इसे, बार बार बीच बीच में चलाते रहिए स्पैटुला या चम्मच की मदद से। जब तक प्याज लाल हो रही है मैं मसाले को कूट लेती हूँ। कूटे हुए मसाले डालने से बहुत अच्छी खुशबू तो आती है, टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। चलिए, एक उखल के अंदर 1 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा, 3-4 हरी मिर्चियाँ और 8 कली लहसुन की, इसे डालकर बहुत अच्छे से कूट लीजिए। हरी मिर्ची अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। ये देखिए मैंने जाड़ा मोटा कूट लिया इसे साइड बाय साइड। ये देखिए बिरिस्ता हो चुका है। मैं थोड़ा सा है ना इसमें से स्लाइट निकाल लेती हूँ, मुझे बिरिस्ता ऊपर से डालने के लिए कम ही चाहिए होता है। अगर आपके पास ज़्यादा बिरिस्ता रखा हो तो आप वो ही इस्तेमाल कर लीजिए और इसमें से निकालिए मत। चलिए, ये जो बॉयल चने हैं इसे छानकर डाल दीजिए, पर हाँ ये पानी जो है इसे फेंकना नहीं। और अब इसमें डालिए 1/2 छोटा चाय का चम्मच हल्दी और 1 छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और इसे फास्ट आंच पर थोड़ा सा भून लीजिए मसाले को। वैसे इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। 1 मिनट के भुनने के बाद आप ये जो मसाला हमने कूट के क्रश करके रखा है ये सारा डाल दीजिए इसके अंदर और इसे भी मिक्स कर 1 मिनट तक इसे फास्ट आंच पर पकाइए। अब वो जो पानी हमने साइड पर रखा था जिसमें बॉईल किया था चने को, वो वाला पानी 2 कप डाल दीजिए। तो इसमें मेरे पास 1 ही कप बचा और बाकी का ये 1 कप मैं फ्रेश पानी ले रही हूँ। थोड़ा सा उखल में भी डाल के इसमें डाल देती हूँ और इसे थोड़ा नमक डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार, मिक्स कर लीजिए और फास्ट आँच पर जोश खिला लीजिए। 1/4 कप पानी के अंदर 2-3 टेबल स्पून बेसन डालकर मिक्स कर लीजिए और जब यहाँ जोश आ जाए तो इसमें डालकर मिक्स कर लीजिए। मीडियम टू फास्ट आंच रखिए सो दैट ये थोड़ा सा पक जाए बेसन। अब 1 से 1/4 टेबल स्पून जितना इमली का पल्प डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए इसे। ये 2 आलू बॉईल करे हुए और मीडियम साइज़ काटे हुए हैं। अब 1 छोटा चाय का चम्मच जीरे का पाउडर डाल दीजिए, ये आलू भी डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए और चूल्हे को स्लो कर दीजिए। इसे तब तक पकाइए जब तक ये थिक ना हो जाए और वो जो बेसन है वो उसका कच्चापन पूरा ना चला जाए और थिक ना हो जाए, तब तक इसे पकाइए स्लो पर और फिर जब पक जाए तो बंद कर दीजिए। सर्व करने के टाइम पे इसे थोड़ा गर्म कर लीजिए और गर्मा गर्म प्याले में निकाल लीजिए और इसके ऊपर बिरिस्ता डाल दीजिए खूब सारा और थोड़ी खूब सारी कोथमीर डाल दीजिए और ऐसे ही सर्व कीजिए। या फिर आप इसके ऊपर तिल्ली डाल सकते हो, जैसे आपको बाज़ार में मिलती है रगड़ा चने बटाटे के ऊपर तिल्ली डाली हुई मसाले वाली, तो आप वैसे भी डाल सकते हो। वैसे मसाले वाली तिल्ली की जो रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है वहाँ आप चेक कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स शेयर करनी थी। हरी मिर्चियों और लाल मिर्चियों का इस्तेमाल अपने स्वाद अनुसार कीजिए। अब चने के बजाय वटाना भी ले सकते हो और रगड़ा बना सकते हो, प्रोसीजर सेम ही रहेगा। अगर आपको चना बटाटा थिक नहीं लग रहा हो तो फिर से थोड़ा सा पानी डाल के उसमें 1/2 या 1 टेबल स्पून बेसन डाल के मिक्स करके उसमें डालकर उसमें थोड़ा पका लीजिए तो वो थिक हो जाएगा। बेसन डालने के प्रोसीजर के बाद आपको लगे कि बहुत ज़्यादा थिक हो गया है तो आप 1/2 कप पानी डाल दीजिए और उसे स्लो आंच पर पकने दीजिए। तो ये है
चटपटा चना बटाटा तिल्ली के साथ मजेदार। तो है ना मजेदार, चने बटाटे और तिल्ली, सूखी तिल्ली मसाले वाली, मजा आ गया होगा आपको देख के भी। बनाइएगा जरूर, अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर अच्छी लगी हो ये वाली रेसिपी तो लाइक जरूर कीजिए, कंजूसी मत कीजिए, ये वाली रेसिपी को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसे ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए इसके लिंक्स। सो फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।